Assalamualaikum guys, this is me Ubay Siddiq and I'm back with my new video. Guys, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। तो गाइज, काफ़ी टाइम बाद मैं आज आया हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि मेरी 10-12 दिन से तबीयत सही नहीं थी। तो गाइज, आज आपके लिए ट्राइसेप का वर्कआउट लेके आया हूँ। बहुत अच्छा ट्राइसेप है, आप घर पर बना सकते हैं ट्राइसेप। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट, यू कैन बिल्ड योर बॉडी एट होम। आप ईजिली अपने घर पर बॉडी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना है और एक्सरसाइज आपको अच्छी करनी है घर पे। थोड़ा अपनी बॉडी पे भी ध्यान दें। आप सारा वगैरह कोई बंदा अपनी बॉडी पर अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो आपके लिए थोड़ा मसला हो जाएगा आगे फ्यूचर में। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर सेल्फ ऑल्सो। तो आपको ट्राइसेप का वर्कआउट बताऊँगा, ईजिली आप घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस अभी मैंने एक नमाज़ पढ़ के आ रहा, तो मैंने दो ईंटें मैंने ब्लॉक रास्ते से उठा ली। आपको कहीं से भी ये ब्लॉक मिल सकते हैं। अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप जाके दुकान से भी खरीद सकते हैं। आपको सीमेंट वाले कहीं ब्लॉक वगैरह आपको 20-30-40 रुपये का आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा। अगर आप क्योंकि अगर आप कोई डंबल्स वगैरह रॉड्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये इससे आप इजीली घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप दो पानी की बॉटल, 1.5 लीटर की आप पानी की बॉटल भर लें, इससे भी आप इजीली वर्कआउट आप घर पर कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज। तो गाइज, ये जो एक्सरसाइज है इट्स अ मास बेस्ड वर्कआउट। आपके ट्राइसेप में हम थोड़ा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ताकि डाइट अच्छी रखें। एक्सरसाइज आप देंगे घर पे, आप बहुत सारे इक्विपमेंट आप घर पे नहीं ला सकते, तो इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू टू मेक बॉडी एट होम। बट अगर आपके पोटेंशियल है, आपके अंदर कोई फोकस है आपकी बॉडी को, दैट यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, सो यू कैन डू इट वट एवर यू वॉन्ट। तो बॉडी इंशाल्लाह आपके घर पे बनेगी। अगर आपके जिम अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा या आप अंडर एज हैं, अंडर एज तो खैर नहीं होती जिम की, ये मिथ्स फैलाई हुई कि आप भाई 14-15 साल की उम्र में जिम नहीं जा सकते। आप जिम जा सकते हैं और अंडर अच्छे कोच के आप अंडर रहें, अंडर आप उसके ट्रेनिंग रहें, तो ताकि आपको दिखे भाई किस तरह कोई गलत एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो पहली एक्सरसाइज है गाइस, ये पहली ट्राइसेप की एक्सरसाइज है, ये हमने ब्लॉक से करना है। ये फर्स्ट आपको अपना ये बैठ के भी कर सकते हैं, मैं खड़े कर देगा, मेरे को बैठने की जगह नहीं है, फिर मैं ज़मीन बैठूंगा। तो गाइज, ये फर्स्ट आपने ब्रेक ले लिया, आपने ओवरहेड पे जाना है और ये ध्यान मेरे कि गाइज ये देखें, ये आपका जो हाथ है बिल्कुल नेक के बिल्कुल पीछे आना चाहिए और कोनी आपकी बिल्कुल टक इन होनी चाहिए। क्योंकि अगर बहुत से लोग इस तरह करते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनकी बॉडी की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मगर अगर बिगिनर हैं आप तो यू हैव टू पुट योर हैंड इन साइड। आपको इस तरह करना है और पूरा स्क्वीज ऊपर जाके और नीचे जाके। अगर आपको ये वेट भारी लग रहा है तो आप छोटी पानी की बॉटल ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉर्म करना है, इसी तरह आपको दूसरे हाथ से करना है। देखिए गाइज, अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप ये, मैं ये नहीं बोलूँगा भाई 3 सेट, आप 5 से 6 सेट भी ला सकते हैं। आप जैसे छोटी पानी की बॉटल से आपने शुरू कर दिया, फिर थोड़ी पानी बड़ी पानी की बॉटल ले लिया आपने, फिर से आपने ये ब्लॉक ले लिया। ब्लॉक से अगर आपको थोड़ा, अगर आपको बड़ा वज़न बढ़ाना है तो अगर आपके डंबल इक्विपमेंट वगैरह हैं किसी दोस्त से आपने बोरो कर लिए, तो इंशाल्लाह आप ये एक्सरसाइज फॉलो करें तो इंशाल्लाह को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस, ये दूसरी एक्सरसाइज हम डंबल, इसका नाम है भूल गया, ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे हमने ये डंबल तो खैर नहीं है, ब्रिक ही ब्लॉक है, तो इसको हम डंबल किक बैक्स बोलते हैं, याद आ गया, इंसान हूँ भूल जाता हूँ। गाइज, ये डंबल किक बैक्स हमने करनी है एक्सरसाइज, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके। अच्छा गाइज, ये डंबल किक बैक्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप के लिए। अब एक्चुअली मेरे भाई वगैरह वीडियो बनाते तो मजाक मस्ती चलती रहती है वीडियो में, तो माइंड नहीं करेगा। अच्छा गाइज, ये ब्लॉक से हमने डंबल किक बैक्स करेंगे, तो आप कहीं से सपोर्ट ले लें। आपने बिल्कुल कोनी आपने हिलानी नहीं है। देखें ट्राइसेप के एक्सटेंशन, आपको ट्राइसेप का अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, अगर आप एक्सटेंशन भी लगाते हैं तो आपके कोनी पे आपको जोर नहीं देना, क्योंकि आपको टेनिस एल्बो फ्यूचर में आके, क्योंकि आपके एल्बो पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा तो ट्राइसेप मसल तो ग्रो नहीं कर जाएगा, आपकी एल्बो का मसला हो जाएगा बाद में जाके, तो आप कुछ पुश नहीं कर पाएंगे, कोई वेट नहीं उठा पाएंगे। तो मेक श्योर आपकी कोनी बिल्कुल ना हिले। अब मैं दीवार से सपोर्ट दे रहा हूँ और आपको पीछे की तरफ स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच का एस्पेक्ट बिल्कुल रखना है, क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट को रखना है। अगर आपने ऊपर लिया स्लो तो आप नीचे भी स्लो ही लें, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे और आपके जो इंशाल्लाह ट्राइसेप का जो गोल है, ट्राइसेप ग्रो करना है, क्योंकि ट्राइसेप आपके जो आर्म्स का 60% आपका जो मसल है, तो
आप ट्राइसेप पे ज़्यादा वर्क करेंगे तो आपके आर्म्स का साइज बड़ा अच्छा 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 दिखेगा। तो आप चलते हैं 360 एक्सरसाइज। डायमंड पुशअप्स करेंगे। डायमंड पुशअप्स काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपके मास बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर आप जिम में होते हैं तो हम क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस मारते हैं, इसमें आपको पुश मिलता है ट्राइसेप पे। अब हम अब ऑब्वियसली जिम नहीं जा सकते घर पे, तो हम डायमंड पुशअप्स करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। प्लस डायमंड पुशअप्स आप बहुत से लोग डायमंड पुशअप्स नहीं कर सकते, इधर दिखाना था यार। डायमंड पुशअप्स बहुत से लोग इसका नहीं कर सकते, तो आप क्लोज ग्रिप पुशअप्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल क्लोज आप रख सकते हैं, डायमंड ना बनाएं, आप बिल्कुल क्लोज ग्रिप रख सकते हैं। डायमंड पुशअप्स करना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं और बिल्कुल स्क्वीज। इसी तरह आप चार सेट पाँच सेट, शुरू में आपसे नहीं लगेगा, छः सेट जितने रैप्स निकले, छः सेट रैप्स जितने निकले आपके ऊपर है। तो गाइस अब चलते हैं चौथे। तो गाइस जी अब चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस जी फोर्थ एक्सरसाइज, अब मेरे पास कोई पहाड़ी थोड़ी ऊंची नहीं है जिसमें मैं रह सकता हूँ, तो मैं उसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने ब्लॉक्स आप देख सकते हैं, ब्लॉक्स मैंने दीवार से मैंने इसको अटैच कर दिया है, ताकि अगर मैं ब्लॉक्स रखूँ तो मैं एक्सरसाइज की तरफ पीछे मेरा बैलेंस ना आउट हो जाए। तो गाइस ब्लॉक्स आपने इस पर रखना है, या फिर आप कोई भी ऊंची जगह देख लें या ऊंची जगह पर रख लें। तो आपने ब्लॉक्स पे आपने ऐसे हाथ रख लिया और आपको अपना पाँव बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपको ट्राइसेप का वर्कआउट करना है, बिल्कुल ट्राइसेप पे स्क्वीज। इसको हम बेंच पे लगते हैं तो बेंच डिप्स बोलते हैं, तो आप उसको ब्लॉक डिप्स बोल लें, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो गाइस इसके आप चार से पाँच सेट लगाएं, 8 to 10 reps, 20 reps आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कितने आपकी स्ट्रेंथ पे। तो गाइस ये हमारा ट्राइसेप का वर्कआउट था। आपने डाइट अच्छी लेनी है और आपने एक्सरसाइज अच्छा करनी है, बिल्कुल अपना फोकस आपका पोटेंशियल है आप एक्सरसाइज करने का, तो आप इंशाल्लाह आपका काफ़ी अच्छी सक्सेस हो सकती है। तो अपने ऊपर ध्यान दें और दूसरों को आप बोलें कि आप वो भी अपने एक्सरसाइज वगैरह करा करें, अपने ऊपर ध्यान दें। सो दिस इज इट, टेक केयर गाइस, दिस इज मी सिद्दीक, ओवर एंड आउट।